नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के डॉक्टर अंबेडकर नगर महाओ से कटरा तक डेली ट्रेन है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि अब नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मालवा सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो है, इसका ट्रेन नंबर है 12919। ये जो ट्रेन है मध्य प्रदेश के डॉक्टर अंबेडकर नगर महाओ से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के बीच में डेली ट्रेन है, प्रतिदिन ट्रेन है। और अगर हम बात करें ट्रेन की डिटेल्स के बारे में, तो ये LHB कोचिस वाली ट्रेन है। डॉक्टर अंबेडकर नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा की जो दूरी है वो 28 घंटे 30 मिनट में कवर करती है और इसके तकरीबन 49 स्टेशन हैं। 1641 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 58 किलोमीटर पर आवर। सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है और वेस्टर्न रेलवे जोन जो है इसे ऑपरेट करता है। अगर रूट मैप के बारे में बात करें तो ये डॉक्टर अंबेडकर नगर से स्टार्ट होती है, बाद में इंदौर जंक्शन होते हुए उज्जैन जंक्शन में पहुँचती है, फिर भोपाल जंक्शन में पहुँचती है, बीना झांसी जंक्शन होते हुए ये आगरा कैंट के थ्रू नई दिल्ली में पहुँचती है, नई दिल्ली के बाद अम्बाला कैंट लुधियाना पठानकोट जम्मू होते हुए ये श्री माता वैष्णो देवी कटरा में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें मालवा एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में, तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो मालवा एक्सप्रेस का डॉक्टर अंबेडकर नगर महाओ से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक का बताऊंगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कन्फर्म करें, वहाँ से आपको सही किराया जो है कन्फर्म हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। फर्स्ट AC की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर नगर से कटरा तक का जो टोटल किराया है वो है 4410 रुपये, जिसमें 4065 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 75 रुपये है, GST चार्ज 210 रुपये है। टोटल किराया 4410 रुपये बनता है, जो कि फर्स्ट AC का डॉक्टर अंबेडकर नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकेंड AC के कोच भी हैं। सेकेंड AC की अगर बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा का जो टोटल किराया है वो है 2595 रुपये, जिसमें 2376 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 124 रुपये है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड AC के कोच भी है। थर्ड AC का जो टोटल किराया है वो है 1805 रुपये, जिसमें 1634 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 86 रुपये है। टोटल किराया 1805 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर लें। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास की अगर बात करें तो टोटल किराया 690 रुपये है, जिसमें बेस फेयर है 640 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज हैं 20 रुपये, 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज शामिल है। स्लीपर क्लास में कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा जनरल डिब्बों की बात करें तो जनरल डिब्बों के इसमें तकरीबन दो कोच हैं, एक इंजन की तरफ है और एक ट्रेन के पीछे की तरफ लगा हुआ है, जिसका टोटल किराया 400 रुपये के करीब है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक का मैं आपको किराया बता रहा हूँ। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जानने के लिए रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। पेंट्री कार के कोच से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको ट्रेन के अंदर ही जो है डायरेक्टली ये चार्जेस जो है पे करने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर नगर से श्री माता वैष्णो देवी तक कौन कौन से स्टेशन आते हैं। मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि डॉक्टर अंबेडकर नगर महो से रोजाना सुबह 11:50 पर यह रवाना होती है और 28 घंटे 30 मिनट बाद श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। इसके तकरीबन 49 स्टेशन हैं और 1614 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। जो दूसरा स्टेशन है इस ट्रेन का है वो है इंदौर जंक्शन। इंदौर जंक्शन मध्य प्रदेश में दोपहर के 12:05 पर पहुंचती है और 12:15 पर वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो रुकती है। इसके बाद मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है देवास जंक्शन में दोपहर के 12:51 पर पहुंचती है और 12:53 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। देवास जंक्शन के बाद मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो उज्जैन जंक्शन मध्य प्रदेश में पहुंचती है दोपहर के 1:45 पे और 1:02 वहाँ से रवाना हो जाती है। 15 मिनट का स्टॉप है, यहाँ पर इसका इंजन भी रिवर्स होता है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है। मक्सी जंक्शन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 2:35 पे पहुँचती है और
2:36 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। एक मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद भेड़छा रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में दोपहर के 2:51 पे पहुँचती है और 2:53 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 160 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अकोदिया रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में दोपहर के 3:19 पे पहुँचती है और 3:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 190 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। अकोदिया का स्टेशन कोड है AKD और इसके बाद ये ट्रेन जो है शुजालपुर मध्य प्रदेश में पहुँचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है दोपहर के 3:32 पे पहुँचती है और 3:34 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। काला पीपल मध्य प्रदेश में दोपहर के 3:37 पे पहुंचती है और 3:48 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है सीहोर रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में शाम के 4:10 पे पहुंचती है और 4:11 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 245 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद संत हिरदाराम नगर भोपाल में शाम के 4:53 पे पहुंचती है और 4:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद मालवा एक्सप्रेस ट्रेन जो है भोपाल जंक्शन में पहुंचती है शाम के 5:20 पे और 5:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, यहाँ पर 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और यहाँ पर भी इसका इंजन रिवर्स होता है। विदिशा रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में शाम के 6:05 पे पहुंचती है और 6:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। विदिशा के बाद ये ट्रेन जो है गंज बसौदा रेलवे स्टेशन पे शाम के 6:31 पे पहुंचती है और 6:33 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद बीना जंक्शन में शाम के 7:30 पे पहुंचती है और 7:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बीना जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है ललितपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है रात के 8:14 पे और 8:16 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 485 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद बबीना रेलवे स्टेशन पे रात के 8:54 पे पहुंचती है और 8:56 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है BAB। बबीना के बाद ये ट्रेन जो है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन में रात के 9:30 पे पहुंचती है और 9:38 पे वहां से रवाना हो जाती है। 8 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। तेलंगाना एक्सप्रेस और हिमसागर एक्सप्रेस के साथ इसकी अलग अलग दिनों पे क्रॉसिंग होती है। और इसके बाद ये ट्रेन जो है दतिया रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में पहुंचती है रात के 10 बजे के करीब और 10:01 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। दतिया के बाद ये डबरा रेलवे स्टेशन पे रात के 10:12 पे पहुंचती है और 10:24 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। ग्वालियर जंक्शन मध्य प्रदेश में रात के 10:54 पे पहुंचती है और 10:56 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। मुरैना जो कि मध्य प्रदेश का आखिरी स्टेशन है यहां पर रात के 11:25 पे पहुंचती है और 11:27 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 712 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। राजस्थान के इकलौते स्टेशन धौलपुर जंक्शन में यह ट्रेन जो है रात के 12:08 पे पहुंचती है और 12:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। और इसके बाद आगरा कैंट में यह ट्रेन जो है रात के 12:43 पे पहुंचती है और 12:48 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 791 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है AGC। इसके बाद यह ट्रेन जो है मथुरा जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के 1:23 पे पहुंचती है और 1:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। कोसीकला रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में रात के 1:53 पे पहुंचती है और 1:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है,
एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और उसका स्टेशन कोड है KSV। इसके बाद पलवल रेलवे स्टेशन हरियाणा में रात के 2:58 पर पहुंचती है और 3 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो बल्लभगढ़ हरियाणा में रात के 3:16 पर पहुंचती है और 3:18 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसका स्टेशन कोड है BYH। इसके बाद ये ट्रेन जो है फरीदाबाद रेलवे स्टेशन हरियाणा में रात के 3:27 पर पहुंचती है और 3:29 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। अपने अगले स्टेशन हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में रात के 3:48 पर पहुंचती है और 3:50 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। और नई दिल्ली में यह ट्रेन जो है सुबह 4:15 पर पहुंचती है और 4:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 986 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद हरियाणा के सोनीपत जंक्शन में सुबह 5:09 पर पहुंचती है और 5:11 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। अपने अगले स्टेशन पर यह ट्रेन जो है पानीपत जंक्शन में सुबह 5:40 पर पहुंचती है और 5:42 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है PNP। करनाल रेलवे स्टेशन पर सुबह 6:04 पर पहुंचती है और 6:06 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1110 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। कुरुक्षेत्र जंक्शन में सुबह 6:30 पर पहुंचती है और 6:32 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 1143 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। अंबाला कैंट जंक्शन हरियाणा में ट्रेन जो है सुबह 7:33 पर पहुंचती है और 7:40 पर वहां से रवाना हो जाती है। 7 मिनट का स्टॉप है, 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद सरहंद जंक्शन में सुबह 8:15 पर पहुंचती है और 8:17 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है SIR। खन्ना रेलवे स्टेशन पंजाब में सुबह 8:29 पर पहुंचती है और 8:31 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद लुधियाना जंक्शन पंजाब में सुबह 9:40 पर पहुंचती है और 9:50 के करीब वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है जलंधर कैंट जंक्शन में सुबह 10:37 पर पहुंचती है और 10:40 पर वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 1350 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। दसूहा रेलवे स्टेशन पंजाब में सुबह 11:27 पर पहुंचती है और 11:29 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद मुकेरियां रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है सुबह 11:45 पर पहुंचती है और 11:47 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद यह ट्रेन जो है पठानकोट कैंट में पहुंचती है। पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर दोपहर के 12:25 पर पहुंचती है और 12:28 पर वहां से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद कठुआ रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है दोपहर के 12:56 पर पहुंचती है और 12:58 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है KTHU। इसके बाद जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर दोपहर के 2:10 पर पहुंचती है और 2:15 पर वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है JAT। रामनगर JNK में यह ट्रेन जो है दोपहर के 3 बजे के करीब पहुंचती है और 3:01 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1606 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक यह ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है उधमपुर रेलवे स्टेशन पर दोपहर के 3:15 पर पहुंचती है और 3:17 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, यहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। चक्रखवाल जो कि इसका सेकंड लास्ट स्टेशन है, यहां पर दोपहर के 3:40 के करीब पहुंचती है और 3:41 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1625 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है CRWL।
इसके बाद ये ट्रेन जो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन में शाम के 4:20 पर पहुंचती है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो टोटल दूरी है 1641 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका